नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत योजना पे। आज हम बात करने वाले हैं SSC स्टीनोग्राफर 2023 नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप इसमें कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, टोटल वैकेंसी यहाँ कितना रखा गया है, क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या मांगा गया है इसमें, वो सब हम एक एक करके आपको यहाँ पे बताएंगे। ये है इसका नोटिफिकेशन नोटिस निकला हुआ है। स्टीनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए निकाला गया है। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका 2 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट जो है 23 अगस्त तक रहेगा। लास्ट डेट टाइम फॉर रिसीप्ट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 तारीख तक ही रहेगा। लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट वो भी आपका 23 तारीख तक। और डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर आपको कुछ करेक्शन करना है फॉर्म में तो वो 24 से लेकर 25 तारीख तक टाइम दिया हुआ है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, वो अक्टूबर में लिया जाएगा। यहाँ पर आपको टोटल वैकेंसी बताया गया है स्टीनोग्राफर ग्रेड सी के लिए है। और यहाँ पे आपको पेमेंट भी बताया गया है। अगर आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो आपको 4600 रुपया मिलेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के लिए करते हैं तो 4200 रुपया मिलेगा। और टोटल वैकेंसी जो है आपको यहाँ बगल में बताया गया है। तो कुल जो यहाँ पर वैकेंसी है वो 93 वैकेंसीज रखा गया है। और आप एक एक करके यहाँ बगल में देख सकते हैं पोस्ट का नाम यहाँ क्या क्या है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इंडियन मेट्रोलॉजिकल, फिर आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए है। फिर यहाँ पे स्टीनोग्राफर ग्रेड डी के लिए वैकेंसीज बताया गया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, 2400 रुपया मिलेगा आपको। 26 वैकेंसीज यहाँ रखा गया है। फिर यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च के लिए है। तो यहाँ पे ग्रेड डी के लिए टोटल जो वैकेंसी रखा हुआ है 1114 वैकेंसीज रखा हुआ है। और यहाँ कैटेगरी वाइज में बांट दिया गया है। फिर आपका यहाँ एज लिमिट बताया गया है, मिनिमम जो है 18 साल होना चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। ग्रेड डी के लिए बताया हुआ है 18 से 27 साल, यहाँ 27 साल ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 18 रखा गया है। ऊपर वाला जो था यहाँ पर ग्रेड सी के लिए था। फिर इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपको 12th स्टैंडर्ड पास हुआ होना चाहिए। आपका जो पेमेंट लगेगा वो 100 रुपया लगेगा। और जो SC ST बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, एक्स सर्विस मैन है, उन लोगों को यहाँ पे फ़ी नहीं लगेगा। और आपको जो पेमेंट करना है वो ऑनलाइन ही करना होगा, नेट बैंकिंग, भीम UPI, रुपये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटा का आपको टाइम मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पूछा जाएगा। और यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। तो अगर आप एप्लीकेबल रहेंगे तो जल्द से जल्द यहाँ जाके अप्लाई कर दीजिएगा।